हर साल की तरह इस साल भी पुलिस विभाग द्वारा 21 अक्टूबर को देश भर में पुलिस स्मृति परेड का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में कोरिया पुलिस ने भी बैकुंठपुर स्थित पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में पुलिस स्मृति परेड का आयोजन किया, जिसमें शहीद हुए पुलिस के परिजन के अलावा पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार, कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, साथ ही जिला और अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार प्रधान, स्थानिक विधायक उपस्थित रहे। सबसे पहले पुलिस और अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने परेड की सलामी ली। जिला और सत्र न्यायाधीश, स्थानीय विधायक उपस्थित, सभी गणमान्य लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर देश के लिए शहीद हुए वीर पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद स्थानीय विधायक लाल राजवाड़े ने जिले के 4 पुलिस शहीदों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 अक्टूबर को पूरे भारत में पुलिस स्मृति दिवस, जिसको सामान्य बोलचाल में शहीद दिवस परेड भी बोलते हैं, पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 वीर बलिदानियों ने, जाबाज हमारे पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने देश की वेदी पर अपना सर्वस्व निछावर किया। उनको और इससे पहले भी जो आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे बलिदानी हैं उनको याद करने के क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि शांति काल में हम भूल ना जाएं कि ये व्यवस्थाएं किस वजह से चलती हैं, सब चीज़ें कैसे चाक चौबंद दुरुस्त रहती हैं। हमारे पुलिसकर्मी दिन रात 24 घंटे देश की सेवा और सुरक्षा में तत्पर हैं। आंतरिक सुरक्षा में बहुत सारे संगठन पुलिस के लगे हुए हैं, चाहे वो राज्य पुलिस हों या केंद्रीय पुलिस संगठन जैसे कि CISF, ITBP, CRPF, SSP, इस तरह के IB वगैरह सब लोग लगे हुए हैं। तो ये इसी को इंगित करता हुआ एक वो है जिसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से अपने श्रद्धा सुमन शहीद परिवारों को और उनके परिजनों को अर्पित किए हैं। उनका कुशल क्षेम जाना है, उनकी कोई समस्या हो वो जाना है।